अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान के कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी दुखद है, जहां करंट की चपेट में आने से 15 बच्चे झुलस गए हैं। 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला फिलहाल अस्पताल पहुंचे हैं बच्चों का हालचाल जानने के लिए। शिव बारात के दौरान ये घटना घटी है, ये कहा जा रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और कई जगह बारात निकल रही है, कई जगह मंदिर जाने के लिए साथ में लोग निकल रहे हैं, पर इस बारात के दौरान ये बच्चे करंट की जब चपेट में आए हैं। ओम बिरला जी वहां पहुंचे हैं, देखिए अस्पताल के अंदर। आइए सुनते हैं ओम बिरला जी ने क्या कहा। घटना घटी है, इसकी जांच कराएंगे और इन बच्चों को सब स्वस्थ रहें, इसके लिए डॉक्टर्स पूरी टीम यहां पर लगी हुई है। एक बच्चा सीरियस है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, भगवान शिव की कृपा रखें। और कोई छोटी उम्र बता दीजिए बच्चों की? बहुत ही छोटे बच्चे हैं और अस्पताल निर्देशन को जिला कलेक्टर सबको निर्देश दिए हैं कि उनकी उपचार की संपूर्ण व्यवस्था जो चल रही है उसमें कोई कमी नहीं है अभी, और जो आवश्यकता है उसको संपूर्ण उपचार किया जाए। तो ये दो तस्वीरें हैं, करंट लगने से बच्चे झुलसे, उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया है। अभी ओम बिरला जी ने कहा कि 15 में से 1 बच्चे की हालत गंभीर है, कुछ बच्चे बड़े छोटे हैं, उम्र में कम है। जो बच्चा जिसकी हालत गंभीर है वो भी उम्र में कम है। यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ स्ट्रेचर पे झुलसने वालों में से एक व्यक्ति या एक बच्चा वहाँ दिख रहा है। और ओम बिरला जी ने कहा कि पूरी तरह से उनकी चिकित्सा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, कुछ बड़े लोग भी हैं जो कि इस करंट और इस हादसे की चपेट में आए हैं। शिव बारात के दौरान ये घटना घटी है, इसकी पूरी जांच की भी मांग की है ओम बिरला ने।